डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। दो ट्रेन है ए और बी, ठीक है, वो एक साथ मूव करना स्टार्ट करती हैं और पैरेलल ट्रैक्स पर, यानी कि मान लो एक हमारा ए ट्रैक है, ठीक है, और दूसरा ए ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है, तो इन पे वो स्टार्ट करती है। मान लो कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है, ये एक साथ है, इस पॉइंट से ट्रेन ए है, इस पे बी है, ठीक है, और दोनों का जो स्टार्ट कर रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में कर रही है, मतलब इधर कर रही हैं दोनों, ठीक है। एक्सेलेरेशन दोनों का दिया हमें इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंतर क्या है इसमें कि जो बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और जो ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि यू 0, इसका जो यू है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे हम यू ए बोलते हैं, ऐसे हम यू भी बोलते हैं। अब क्या बोला है कि जो स्टार्ट हुआ है मान लो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर स्टार्ट हुए हैं दोनों ट्रेन, ठीक है, तो इसके 20 सेकेंड बाद जो ए के पैसेंजर हैं वो बी की सेल सुन रहे हैं कोई, ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि 20 सेकेंड बाद ये कहाँ पहुँच गए होंगे। तो बी की कुछ इनिशियल स्पीड भी थी तो बी तेज होगी, तो मतलब 20 सेकेंड में ये इधर है तो ए हमारी इधर कहीं होगी, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा और ये इतने पास हैं, हमने बहुत पास माने, इसमें हमने दूर दूर किए हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये वो लगभग इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि लगभग पहले ट्रैक हैं काफ़ी पास में होंगे, तो ये जितना डिफरेंस है वो होगी इनकी उनके बीच का डिफरेंस डी, ठीक है। तो 20 सेकेंड पर क्या हो रहा है, आफ्टर 20 सेकेंड जो ए के पैसेंजर हैं ये वो बी की विसिल सुन रहे हैं, यानी यहाँ से जो विसिल ब्लो की थी वो 20 सेकेंड पे ना सुनाई दे रही है, ठीक है, तो हमें विसिल की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है एयर में कितनी है, हमें पता करना है कि जो पैसेंजर हैं ए में जो बैठे हैं उनके द्वारा फ्रिक्वेंसी क्या ऑब्जर्व की गई होगी, यानी कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो हमें निकालना है कि जो इसने विसिल ब्लो की बी ने वो टाइम क्या होगा, क्या विसिल ब्लो की होगी, क्योंकि 20 सेकेंड तो वो टाइम है जिस पर हमें ए को सुनाई दे रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है, तो वो कितना टाइम होगा वो हमें निकालना है, और क्योंकि यहाँ से पहुँचने में टाइम लगा उस टाइम में इसमें जो टाइम लगा उसके बाद 20 सेकेंड पर वो पहुँच रही है, यानी यहाँ पर कुछ पहले उसने भेज दी होगी, मान लो कोई टी टाइम पर विसिल ब्लो की होगी वो 20 सेकेंड पर वहाँ पहुँच रही है। तो पहले तो हमें निकालना है डी का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, तो मान लो किसी टी टाइम पे बी कहाँ पहुँचा होगा और ए कहाँ पहुँचा होगा वो निकालते हैं, ठीक है, फिर उनके डिफरेंस को देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, तो बी का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो हम मान लेते हैं एस बी यू की वैल्यू में दिए 40 टी प्लस हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 40t प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ए का देखें अगर ऐसे तो हमारे यू की वैल्यू 0 है, बाकी सब सेम है, यानी बन जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, तो इनका आ गया डिफरेंस, किसी टी टाइम पे इतना डिफरेंस होगा इन दोनों के डिस्टेंस में, तो डी की वैल्यू क्या होगी किसी टी टाइम पे, 40t प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 40t, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब मान लो इसी टाइम पे टी टाइम पे इसने विशिल ब्लो की तो यहाँ पहुँचने के बाद टाइम हो गया 20 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना लगा पहुँचने में, वो लगा हमारा टी इज इक्वल टू 20 माइनस टी, मान लो ये हमारा पहुँचने वाला टाइम है टी डैश, तो ये हुआ हमारा 20 माइनस टी, यानी इतना टाइम लगा, और टाइम कितना लगेगा तो हमें स्पीड दे रखी है साउंड की, ठीक है, तो हम डी के टर्म में लिख सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी क्या हुआ डी इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, और हमें एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, ठीक है, तो टाइम हमारे ये आएगा टी डैश, तो यह आएगा 20 माइनस टी इंटू एस, यानी एस की वैल्यू कितनी हमारी, सॉरी
T into S ये होगा, तो ये स्पीड है हमारी, ठीक है। तो इसमें वी कर देते हैं, गैस मास डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वी की स्पीड, वी की वैल्यू है 322, तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। ये जो इनकी डिस्टेंस है, ये हमने कैसे निकाली कि साउंड को ये डिस्टेंस करने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से हमने डी की वैल्यू निकाली। और इस डी की वैल्यू हम इनके डिफरेंस के बीच पहले निकाल चुके हैं, वो क्या आई थी हमारी 40T, तो इज इक्वल टू कर देंगे हम 40T, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 20 × 322 -322T इज इक्वल टू 40T, ठीक है। अगर मैं इसे भी इधर ले जाऊँ तो 20 × 322 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरा 322 +40 × T, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 20 × 322 / 322 +40, ठीक है। तो हम देख लेते हैं टी की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। टी की वैल्यू आती है 17.8 सेकेंड, ठीक है। यानी ये वो टाइम है, इस टाइम पे उसने, जो हमारा बी का ड्राइवर है, उसने विशिल ब्लो की, यानी कि 17.8 सेकेंड, ठीक है। वो 20 सेकेंड में पहुंची, यानी 20 सेकेंड पे पहुंची, ठीक है। तो उसे कुछ टाइम लगा, तो हमें क्या करना है, ये जो टाइम टी की वैल्यू निकली है, इस टाइम पे इसकी स्पीड की वो निकालनी है कि जो बी है उसकी स्पीड कितनी है, जो ट्रेन बी है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलेगा कि सोर्स की स्पीड क्या है, यानी वी एस, क्योंकि हमें डॉपलर इफेक्ट लगाना है, तो उसमें हमें वी एस चाहिए, ठीक है, हमें वी ओ चाहिए। तो इस टाइम के लिए स्पीड क्या होगी, वहाँ से आएगा हमारा वी एस, और फिर हम निकालेंगे वी ओ। तो पहले हम वी एस निकाल लेते हैं, ठीक है। सोर्स की स्पीड यानी कि वी एस इज इक्वल टू वी बी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू दिस 17.8 सेकेंड, ठीक है। तो वी वी का फार्मूला क्या है था हमारा, हमने निकाला था इधर अभी, सॉरी वी वी का फार्मूला हमने नहीं निकाला। तो ये फाइनल वैल्यू से यू प्लस ए टी लगाएंगे, यू प्लस ए टी, तो यू हमारा 40 दिया है, ए 2 दिया है, ठीक है, और टाइम हमारा 17.8, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 75.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी होगी वी वी की वैल्यू, और हमें निकालना है वी ओ, यानी ऑब्जर्वर की स्पीड क्या थी जब उसने वो फ्रिक्वेंसी रिसीव की। तो हमें दे रखा है कि 20 सेकेंड पर सुनाई दे रही है ट्रेन ए को, तो हम सीधा निकालेंगे उनका जो इनिशियल वैल्यू थी वो 0 थी, प्लस ए 2, और टाइम 20, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो यानी क्या है, सोर्स इधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, दोनों एक ही में। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, मुझे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आएगा, वो आएगा एवरेज इक्वल टू वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये होता हमारा एक्चुअल फार्मूला जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जर्वर तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन सोर्स अवे जा रहा है, यानी तो सोर्स की जो फार्मूला है, सोर्स का जो वेलोसिटी है, उसमें साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। बाकी अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, सबकी वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू हमारी 322 प्लस वी ओ 40 अपॉन 322 प्लस वी एस 75.6, ठीक है, इंटू एक्चुअल एफ हमें दे रखा है, ये हमारा 1194, ठीक है। तो इधर रख देते हैं 1194, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है अपेरेंट फ्रिक्वेंसी की, इसकी वैल्यू आती है 1086 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये वो वैल्यू होगी जो उसे जो उन्हें सुनाई देगी, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व बाई पैसेंजर, तो हमारे इसमें सही आंसर है 1086 हर्ट्ज, ठीक है।